हाँ आए हैं, लोगों से मिलना है ना भाई। तो आप जानते हैं वहाँ पर सात पार्टी एक साथ हुई है, तो यहाँ पर तो कम से कम चार पार्टी के लोगों से मिलना ही है। कांग्रेस, आपका सीपीआई, सीपीएम, माले, इन सब लोगों से मिलेंगे। आदरणीय आदरणीय राष्ट्रपति जी से भी मिलेंगे, माननीय उपराष्ट्रपति जी से भी मिलेंगे, यही सब है। बाकी क्या है, बाकी ढेर दिन हो गया, आए हुए हैं यहाँ कुछ दिन के लिए रहेंगे, और कोई खास बात नहीं, और कोई खास बात नहीं। 24 से पहले एक जो गठबंधन या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की बातचीत हो रही है, क्या उस पे पहल रहेगा क्या आपकी तरफ से? देखिए, हम नीचे जा रहे हैं, हम लोगों की तरफ से तो आप जानते हैं कि जो कुछ भी है, हम लोगों ने तो प्रारंभ से ही कहा है ना कि अब हम लोग अलग, अब जो हम लोग साथ हैं वहाँ, उसी तरह से अगर अधिक से अधिक सब विपक्ष के लोग अगर साथ हो जाएंगे तो एक बहुत अच्छा माहौल होगा। तो वो तो एक ऐसी बात है कि सब लोगों की इच्छा पर है, सब लोगों के मन पर है, और जिन लोगों से वैसे पार्टी के अन्य पार्टियों से बातचीत होगी तभी ना ये सब कोई बातचीत कर पाएंगे। लेकिन आप सुशील मोदी ने एजेंडा पर काम नहीं करें। देखिए, वो क्या बोलते हैं उन पर कोई कमेंट नहीं करना। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब पिछली बार चुनाव में जो हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका जो बना, उन लोगों के बहुत कहने पर हम तैयार हो गए, लेकिन सुशील मोदी को तो हटा दिया था। अब हालत समझ लीजिए, अब बेचारे अब सोच रहे होंगे कि कुछ कुछ रोज बोलते रहेंगे, आजकल रोज बोलते हैं ना, कितना बार ट्वीट करते हैं, हम लोग को क्या है इतना बोलते रहे ताकि फिर पार्टी वाला कुछ जगह दे दे उनको, अच्छी बात है। तो पार्टी के जगह के लिए कर राहुल गांधी से मुलाकात जी 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 आज तो मिलेगी, आज मिलेगी। इसके अलावा आज क्या है कुछ खाली उनसे मिलना है नीतीश जी, और कल तो बता ही रहे ना कि सब लोग सारे कम्युनिस्ट पार्टी, हाँ आप परसों मिलेंगे। अभी यही है मेन, अभी यही है मेन, नीतीश जी को लेकर लगा रही है कि नीतीश जी आप बार बार विपक्ष की एकजुटता की बात करते हैं कि सभी पार्टियां अगर सहमति बनेगी तो एक साथ चुनाव लड़ेंगे, चेहरा कितना बड़ा इशू होगा? आप तो लंबे समय से राजनीति में, चेहरा कितना बड़ा इशू होगा विपक्ष की एकजुटता में 2024 के लोकसभा चुनाव में? क्योंकि शरद पवार भी कह चुके हैं कि विपक्ष की एकजुटता होनी चाहिए, पार्टियों को बातचीत करनी चाहिए, लेकिन चेहरा कितना बड़ा मसला होगा? नहीं नहीं, विपक्ष एकजुट हो जाएगा सब लोग तो बहुत अच्छा माहौल बनेगा, ये तो है ही हम लोगों की राय। तो जितने लोग जुट जाएंगे एक साथ तो बहुत अच्छा होगा, और फिर जिस तरह से सरकार चलाने की आजकल कोशिश हो रही है, अब कौन सा काम हो रहा है बताइए ना, कोई विकास का काम हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो तो खाली एक तरफा चल रहा है, और बाकी धीरे धीरे कितने रीजनल पार्टीज को हो, किस तरह से सब तरह से लोगों को कमजोर करने की कोशिश, तो वो सब अपना है, अपना एक अपना नहीं, चेहरा की बात नहीं। देखिए, सब एकजुट होंगे तो आपस में विमर्श करके जो भी चुनना करेंगे। आपको प्रधानमंत्री नहीं ना, हम नहीं, वो एकदम वो ऐसे ही बोलते रहता है कोई जिसको बोलना, लेकिन मेरी कोई इच्छा नहीं, हमारी न कोई इच्छा है न मेरी कोई आकांक्षा, उस मत बोलिए। मेरी बस एक ही इच्छा है कि अधिक से अधिक विपक्ष अगर एकजुट हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, और उसके लिए जो हम लोगों का सहयोग होगा हम लोग करेंगे, लेकिन ये नहीं है कि हम लोगों का कोई दावा, ऐसा कुछ नहीं कि हम लोगों का हमारा कोई दावा, हमारी इच्छा यही है कि सब एकजुट हों, और उसी के लिए अपना जो बातचीत करना होगा बातचीत करते रहेंगे, कोशिश करेंगे। आपका नाम प्रस्ताव में अगर आगे आया तो आप नहीं नहीं वो सब छोड़ दिया, हम उसके बारे में सोचते भी नहीं, बीजेपी का नंबर एकदम अपने बारे में, क्या बीजेपी का नंबर कम किया जा सकता है जब 300? देखिए, अगर सब एकजुट हो जाएंगे विपक्ष के लोग और सारे लोग अगर मिल जाएंगे, अधिकांश तो मिल जाएंगे, तो स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। कितना तक आ पाएगा? अरे वो तो समझिए, वो तो जनता तय करेगी, लेकिन इतना है जरूर कि इसका फायदा आज जो विपक्ष में है उनको होने वाला है, और बहुत अच्छा होगा, और देश के लिए भी बहुत अच्छा होगा।